हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर एंड मिसेज ठाकुर में। फ्रेंड्स, अगर आपके दांतों पर पीलापन आ गया है या आपके मुंह से बदबू आती है या फिर आपके दांतों में दर्द रहता है और आपने सब कुछ करके देख लिया, कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो एक बार ये घरेलू नुस्खा अपना कर देखें। 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। इससे आपके दांत सफ़ेद चमकदार होंगे। तो चलिए बता देते हैं आपको क्या करना है। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स, नींबू के रस और जैतून के तेल से अपने दांतों को ब्रश करने से आपको पीलेपन से छुटकारा मिलने के साथ दांत चमकदार होंगे। सरसों का तेल और हल्दी। चमकदार दांत पाने के लिए 1 चम्मच सरसों के तेल में 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर मिला लें। इसके बाद उंगलियों की सहायता से इन्हें दांतों में धीरे धीरे रगड़ें। कुछ दिन लगातार इस्तेमाल करने से आपको फर्क नज़र आ जाएगा। केला का छिलका। केले में भरपूर मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो दांतों को चमकदार करने में मदद करते हैं। इसके लिए केले के छिलके के सफ़ेद भाग को रोजाना दांतों पर 1 या 2 मिनट के लिए रगड़ें। आपको 2 दिन बाद ही रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सरसों का तेल और नमक भी पीलापन से छुटकारा दिलाने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। इसके लिए 1/2 चम्मच सरसों के तेल में नमक डालकर मिक्स कर लें। इसके बाद उंगलियों की सहायता से दांतों में लगा लें। थोड़ी देर लगा रहने के बाद पानी से कुल्ला कर लें। फ्रेंड्स, अगर आपके दांत पीले हो गए हैं और उनमें कीड़ा भी लगा है तो यकीनन आप अपने दांतों को लेकर चिंतित होंगे। लेकिन अब चिंता छोड़ें और यह नुस्खा अपनाएं। इसके लिए आपको लेना है नारियल तेल। 1 चम्मच नारियल तेल को अपने मुंह में 15 से 20 मिनट तक रखें। इसके बाद ब्रश कर लें। कुछ ही दिनों में दांत मोतियों से चमकने लगेंगे। फ्रेंड्स, कैल्शियम आपके दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए यह नुस्खा आपको आदतों में बदलाव की सलाह देगा। यह नुस्खा आपकी पूरी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। इस नुस्खे में हम आपको सलाह देते हैं अच्छे विटामिन और पोषण से भरपूर आहार लेने की। दांतों का पीलापन कई बार शरीर में पोषण की कमी या कैल्शियम की कमी के चलते भी हो सकता है। ऐसे में आप कितने ही नुस्खे या उपाय कर लें, आपके दांत सफ़ेद नहीं होंगे। तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप आहार में विटामिन डी और कैल्शियम से भरपूर आहार लें। फ्रेंड्स, पीले दांतों को सफ़ेद करने के लिए आप किचन में रखी हींग का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना बस यह है कि हींग पाउडर को पानी में उबालकर ठंडा कर लें। अब दिन में 2 बार इसे कुल्ला करें। यह नुस्खा दांत के दर्द को भी दूर करता है। दांत में दर्द ज़्यादा हो रहा है तो किचन में रखा बेकिंग सोडा भी दांतों का पीलापन दूर कर सकता है। आप बेकिंग सोडा को दांतों पर रगड़ सकते हैं या फिर इसे टूथपेस्ट में मिलाकर ब्रश कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। यह पीले दांतों को सफ़ेद बनाने और दर्द दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है। फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद नींबू के छिलके से दांतों को रगड़ें। इस तरीके को भी आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। ध्यान रहे कि दांतों के ऊपर छिलका रगड़ें जबड़ों के बीच में नहीं। ऐसा करने से दांत खट्टे हो सकते हैं। अगर आप नींबू को दांतों पर नहीं रगड़ना चाहते तो इसके रस से कुल्ला कर सकते हैं। इसके लिए 1 चम्मच नींबू के रस में उतनी ही मात्रा में पानी मिलाएं। इस मिक्सचर से रोज खाना खाने के बाद कुल्ला करें। इससे दांतों का पीलापन भी दूर हो जाएगा और साथ ही सांसों के साथ आने वाली बदबू भी चली जाएगी। नीम हमेशा से ही दांतों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी की वजह से दांतों को सभी रोगों से दूर भी रखता है। पीलापन हटाने के लिए नीम की दातुन करें।
एप्पल साइडर विनेगर से भी कुल्ला कर दांतों का पीलापन कम किया जा सकता है। इस विनेगर और पानी को समान मात्रा में मिलाएं और कुल्ला करें। फ्रेंड्स, आप इनमें से कोई एक नुस्खा अपनाकर अपने दांतों के रोगों को दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।